हेलो हेलो। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून सौम्या। यस, गुड आफ्टरनून मैम। इफ यू डोंट माइंड, कैन यू प्लीज ओपन योर वीडियो। श्योर। या हेलो। हेलो। हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मुझे अपने बारे में बताओगे, ब्रीफ हाँ इंट्रोडक्शन, कि आप हाँ कहाँ से हो, आपका मतलब साइकोलॉजी कौन से बोर्ड से है? श्योर। मैं सुमैया हूँ। डू वॉन्ट मी इन इंग्लिश और इन हिंदी? डू वॉन्ट मी ट्रेल इन इंग्लिश और हिंदी? कोई भी, किसी में भी ओके। बोलो। मैं सुमैया हूँ। आई एम फ्रॉम मुंबई इन सांता क्रूज। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। आई एम डूइंग एन एस बोर्ड फॉर टू एंटर कॉलेज इन फैशन डिजाइनिंग इन विस्लिंग वुड। या ओके, सो यू आर इन 11th और 12th स्टैंडर्ड? 12th, 12th। ओके, सो माय नेम इज नैंसी वीवन, आई एम योर साइकोलॉजी एडुकेटर फॉर द डे। ठीक है, सो शायद ये हमारी डेमो क्लास है, तो उसी को फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे एक बार ये बताओ कि आप साइकोलॉजी जो है उससे क्या समझते हो, मतलब किस फील्ड में, किस डोमेन में साइकोलॉजी है? जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, एज इन हम लोग का मैं मेडिटेशन कोर्स लेती हूँ, तो जितना मुझे पता है कि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर होता है, जो जिस वे से रिएक्ट करते हैं, जिस वे से बिहेवियर ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, बिहेवियर ऑफ हाँ, ह्यूमन, और कुछ होता है या सिर्फ बिहेवियर ही होता है या किसी को? नहीं, सब कुछ सब कुछ, सब कुछ, एज इन कुछ भी हो सकता है, इमोशंस, बिहेवियर, जिस वे से बात करते हैं। यस, बेसिकली हम इसको कह सकते हैं साइंटिफिक, जो मतलब लेमैन लैंग्वेज हाँ। में, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द माइंड। और जिस वे से माइंड फंक्शन होता है, जिस वे से थॉट आ रहा है, जिस वे से हम थिंक करते हैं, तो सब चीज मिला के साइकोलॉजी में स्टडी, मतलब साइकोलॉजी। ओके, सो साइकोलॉजी में हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, माइंड, बायोलॉजिकल फैक्टर इसमें मैटर करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, फॉर एग्जांपल, बायोलॉजिकल फैक्टर कैसे हैम्पर कर सकते हैं कि एक ह्यूमन की, एक इंडिविजुअल की अपब्रिंगिंग को? बायोलॉजिकल एज इन क्या सिखाते हैं ना बच्चे लोग को ग्रो होने के लिए, वो तो इन्वायरमेंट फैक्टर है, एनवायरनमेंट। ओ वो इन्वायरमेंट फैक्टर है, लाइक बायोलॉजिकल फैक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर कभी अपने फैमिली में कोई ऐसे ट्रेड्स होंगे, जैसे किसी इंसान को ना डर बहुत लगता होगा, ठीक है, किसी भी चीज से, तो वो जो है पास ऑन होती है आगे जनरेशन के ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो वो बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। अब जैसे किसी के फैमिली में है कि ग्रेश हेयर हो जाते हैं, जो जीन्स है वो हो सकता है कि एक इन्फेंट में बहुत जल्दी आ जाए, प्रीमेच्योर हेयर के उसमें, कि इसके तो एंसेस्टर्स के भी आते थे, दादा के एज में आ गए थे। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज हो गई, वो भी पास ऑन हो सो सकते हैं। जेनरेशन, बट फैमिली से जो रिलेटेड है वो चीज है। हाँ, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हाँ, बेसिकली जो ओके हमारे जीन्स में आते हैं, ठीक ओके। है, या तो वो स्टार्ट हो रहे होते हैं कहीं से या कहीं से पास ऑन हो रहे होते हैं। पास ऑन। हाँ। ठीक है, जीन्स के रिलेटेड में हो गया। और पर्सनालिटी फैक्टर हम पर करता है इंडिविजुअल हाँ, बिहेवियर को, होता इंडिविजुअल पर्सनालिटी फैक्टर भी होता है। है कैसे? हाँ, यस, जैसे कि एज इन तुम आई थिंक क्या पूछ रहे हो आप, कि पर्सनालिटी जो है ह्यूमन की, वो किस तरीके से डिस्टर्ब करती है, मतलब डिस्टर्ब करती है, इफेक्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर को? जैसे कि कुछ चीज आपको ट्रॉमा, कुछ चीज से आपको कुछ चीज बचपन से ही ट्रॉमा है, बट कुछ चीज आ गया सामने और आपको नहीं टॉलरेट होता वो चीजें, और जब आप अचानक से देखेंगे तो आपके बिहेवियर में, आपके बॉडी में सब शो कर देगा। तुम्हारा बॉडी टाइट हो जाएगा। तुम चाहे से कोई को ह्यूमन होते कि टाइट कर देते अपने बॉडी, और कोई को होते कि एक्सप्रेस करते हैं, तो सब अलग वे होता है अलग अलग लोगों का। पर्सनैलिटी वाइज, जैसे कोई हाँ इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, ये भी हम हाँ पर्सनैलिटी में कह सकते हैं क्या? हाँ हाँ एक्सट्रोवर्ट, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ एमीवर्ट नहीं, हाँ एमीवर्ट मैं, नहीं, हो सकता है, डिपेंड्स डिपेंड्स सिचुएशन देख के। हाँ एमीवर्ट,
एक्सट्रीम तो बहुत रेयर बेसिस पे होते हैं. सिचुएशन देख के हो सकता है। ओके, और भी वी कैन से दैट साइकोलॉजी इज अ लर्न बिहेवियर, मतलब हाँ इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द एक्सपीरियंसेस. कि पास्ट में हमने कोई मिस्टेक की होती है तो उसको हमें याद आ जाता है, और फिर जो हमारी करंट सिचुएशन होते हैं, करंट इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट। हाँ। हाँ, उसको हम नहीं कर पाते हैं. तो अभी आप मुझे बताना कि आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं. ठीक है, हाँ हो रही है। ये है साइकोलॉजी. ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा? बायोलॉजिकल बिहेवियर, हाँ, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हम कह सकते हैं. हाँ, ठीक है, पर्सनालिटी प्रोसेस, बिहेवियर पर्सनालिटी, प्रोसेस ही होगा या। पर्सनालिटी प्रोसेस, लाइक जो चीज हम सीखते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हो गया. अब जैसे कभी नोटिस करना, जो इंसान बिल्कुल आज अच्छे से ड्रेसअप हुआ होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता अच्छा है, होगा। हाँ कहा हाँ जाएगा, है ना. हाँ अगर आप घर बिल्कुल। पे, अगर अपने नॉर्मल कंफर्ट नाइट सूट में बैठे हुए, तो आपका पूरा दिन उस बिस्तर पे ही जाएगा, है ना. लेथार्जी सा जाएगा, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे, है ना. एक पर्सनालिटी है ना, जो बोलते हैं ये तो बहुत काम स्लो करता है. ऑल्सो थिंकिंग मैटर्स ना, अगर जिस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव थिंक करोगे तो उस वजह से तुम्हारा डे जाता है। हाँ, फैशन स्टाइल भी पर्सनालिटी में आ जाता है ना. जैसे कोई ओके। जिसको तैयार होने का शौक ही शौक है, कि वो सैटरडे संडे भी जब घर पे होता है तो बिल्कुल प्रॉपर बन के रहता है हाँ। ना. पर्सनालिटी हो सकता है, थिंकिंग प्रोसेस भी हो सकता है. थिंकिंग प्रोसेस हो गए, और लर्न्ड एक्सपीरियंसेस हम कह सकते हैं, लर्न्ड हाँ। एक्सपीरियंसेस, और सिंपल हम एक्सपीरियंसेस भी कह सकते हैं. ठीक है, एंड अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस प्रोसेसेस भी. हो सकता है। हाँ ये सारे साइकोलॉजी के टर्म है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. हो गया, वेट, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. ओके, ये बेसिकली हमारी जो है साइकोलॉजी की डोमेन है. ठीक है, और साइकोलॉजी जो है वो दो टर्म से बने है. साइकी का मतलब क्या होता है? लाइफ, ग्रीक में साइक मतलब ब्रेन ना, थिंकिंग, लाइफ, लाइफ। अच्छा लाइफ। लाइफ. लॉजी मींस एक्सप्लेनेशन, और चल यू कैन से स्टडी ऑफ समथिंग, नेशन, और एक्सप्रेशन। हाँ, स्टडी ऑफ समथिंग. ठीक है, तब बोलते हैं ना साइकी मींस लाइफ. लाइफ किसकी? किसी की भी लाइफ. जैसे ह्यूमन को स्टडी करने से पहले क्या होता है, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. जैसे कोविड की जो वैक्सीन आई थी, उसको डायरेक्टली ह्यूमन पे अप्लाई नहीं किया गया, एनिमल हाँ हाँ किया गया, है ना. तो लाइफ मतलब किसी की भी लाइफ को हम स्टडी कर सकते हैं साइकोलॉजी में. ठीक है, यहाँ पर ये चीज है, बट दोनों समवेयर सिमिलर है. 100% ये नहीं कि जो चीज एनिमल पे वर्क कर रही है वो ह्यूमन पे नहीं करेगी। वर्क करे, ऐसा नहीं. बट यहाँ पर सिर्फ लाइफ केयर, कि उनका बिहेवियर क्या होता है. जैसे एक ट्रेन डॉग है, उसकी भी तो साइकोलॉजी समझ में आ सकती है ना, कि वो ट्रेन कैसे हुआ. ठीक है, जो सर्कस में होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको भी ट्रेन किया जाता है कि इस टाइम पे आपको खाना मिलेगा, अगर उनको मारा जाएगा, अगर ये चीज गलत होगी तो, है ना. हो गया सब कुछ, है ना. इसमें क्या होता है, फोर्थ पीरियड के बाद रिसेस होती है, तो ब्रेन को पता है कि फोर्थ पीरियड के बाद रिसेस होगी ही होगी. अगर को नहीं मिलेगी ना, वो या तो डेस्क के नीचे लांच करेंगे, या डेस्क के ऊपर। यहाँ, या तो वो टीचर को पढ़ाने नहीं देंगे फोर्थ में, और टीचर भी अंडरस्टैंड करेगी. 2 बजे छुट्टी होती है, दैट मीन्स कि 2 बजे की बेल जो होगी वो कंडीशन हो रखी है, कि 10-15 स्कूल में आपको पता है कि 2 बजे वाली बेल ऐसे बजेगी, तो उसके बाद बच्चे शोर मनाना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना. तो वही चीज है कि एक्सप्लेनेशन मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, ह्यूमन और एनिमल लाइफ. सारा कॉन्सेप्ट किस में आ जाता है? साइकोलॉजी में. ठीक है, साइकोलॉजी के डोमेन्स में अगर बात की जाए, तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी देख सकते हो. ठीक है, क्रिमिनल साइकोलॉजी देख सकते हो, कि क्रिमिनल की क्या साइकी होती है, कि ये जो क्राइम कर रहा है. ठीक है, तो ऐसे इसके बहुत सारे डोमेन्स हैं जो हम कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर इतना था साइकोलॉजी के बारे में. ये समझ में आया? हाँ गॉट इट. हाँ चलो, होल्ड ऑन.
एक ही आप ही का ही है, वेट। मुझे बताना। ये भी मैंने, आप मुझे बताओ, आपको स्क्रीन शेयर हो गई दोबारा मेरी? अभी तो नहीं हुई है। हाँ हो गई। हो गई। ठीक है, ये साइकोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स। साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ होता है कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर। ठीक है, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस होती है, बिकॉज हमारी थिंकिंग जो है सब्जेक्टिव है। ठीक है, सेम पैरामीटर्स पे हम अपनी इंटेंशंस को दूसरों से मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो अंडरस्टैंडिंग है अपनी और सामने वाले को लेकर, वो बहुत सब्जेक्टिव है दोनों केसेस में। अपनी साइड से इट्स लाइक अ सिक्स सिक्स कंडीशन। ठीक है, फ्रॉम योर साइड इट सीम्स सिक्स एंड माई साइड इट सीम्स, ठीक है, नाइन और सिक्स। ओके, सो यहाँ पर ये कुछ टॉपिक्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये बताओ साइकोलॉजी की नीड क्यों है? साइकोलॉजी की नीड क्यों, वो तो नहीं पता, बट एज इन मुझे मेनली इतना पता है साइकोलॉजी सब जो भी होता है आसपास, यू नो, सब रीड करने के लिए। जैसे कि अभी मेरा कुछ हुआ किसी के साथ, बट नीड क्यों है? नीड क्या है? आपको मैं वॉइस अट्रैक्ट रहा है क्या? क्योंकि मुझे आपका अट्रैक्ट रहा है। नहीं, नहीं, मेरी अब क्लियर है आपको वॉइस? हाँ अभी ठीक है, बीच बीच में स्टॉप हो रहा है इस वजह से। ओके, सो पहले तो हमें ये चीज समझनी है कि जो साइकोलॉजी है, इट्स बेसिकली गिव्स द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंटल फंक्शनिंग। ठीक है, मेंटल फंक्शनिंग कि अगर जैसे होता है कि किसी को डिप्रेशन है ना, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो वो पूछते हैं कि आप पूरे दिन में क्या करते हो, आपको किस किस चीजों से डिप्रेशन हो रहा है, आपके ब्रेन में क्या फंक्शनिंग हो रही है, कौन से इरेशनल थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, वो रियलिस्टिक थॉट्स हैं, मतलब आपकी करंट सिचुएशन से वैल्यू रिलेटेड है, या फिर वो ऐसे ही है जिनकी कोई एग्जिस्टेंस, नहीं। हाँ हाँ एग्जिस्टेंस ही नहीं, जिसे हम ओवर थिंकिंग कह देते हैं। ठीक है, उस चीज के लिए, एंड हाउ पीपल बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। ठीक है, बिकॉज इंडिविजुअल इज सब्जेक्टिव, एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू सी द थिंग्स एंड द ऑब्जेक्ट इन देयर एनवायरमेंट। जरूरी है जिस तरीके से जो चीज एनवायरमेंट में, उसी को सेम तरीके से मैं परसीव करूं। किसी को जो नेचर की ब्यूटी है वो बहुत पसंद आती है, बाहर जाते हैं, और किसी का दिमाग खराब हो जाता है, हाय क्या देखो कितनी धूप है, कितना शोर है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें होती है कि साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है, जो हमारे पोटेंशियल्स हैं, क्योंकि हम थ्रू आउट दी लाइफ, जो हमारा टाइम होता है, लाइफ स्पैन होती है, उसमें हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, चेंज होती रहती है, और वही चीज शेप करती है। ठीक है, अगर हम किसी स्किल में अच्छे हैं, अगर उसको हम थ्रू आउट आई लाइफ प्रैक्टिस करते रहे, उस स्किल में मास्टरी कर ले, तो वो हमारा पैशन बन जाएगा, और हो सकता है प्रोफेशनल लेवल पे भी काम बन जाए, और एक डिजायर हो जाएगी, वो फुलफिल हो जाएगी, है ना, जो शेप हमको चाहिए थी एट द एंड, जो प्रोडक्ट चाहिए था, जैसे चाहते थे उस चीज को लेकर, वो फुलफिल हो जाएगी। गॉट इट? बट ये सब चीजें साइकोलॉजी काम करते ना ह्यूमन के साथ। यस, साइकोलॉजी बेसिकली मेंटल प्रोसेसेस से डील करती है। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं, सो ये जो है नीड फॉर द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी, इसका बेसिकली मतलब क्या है बताओ? मैंने बताया, टू अंडरस्टैंड द टू मेंटल, मैनर ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। हाँ, ह्यूमन बिहेवियर, और एंड हाउ पीपल बिहेव इन अ सर्टेन सिचुएशन, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिंपल, आर यू राइटिंग? हाँ ओके, तो यही पॉइंट्स हैं सिर्फ इतने ही जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गॉट इट? हाँ अब हम एक बार समझ लेते हैं नेचर ऑफ द साइकोलॉजी क्या होता है। होल्ड ऑन, अब हम एक बार क्या समझ लेते हैं नेचर ऑफ द साइकोलॉजी क्या होता है, बताओ नेचर ऑफ द साइकोलॉजी क्या होता है? एक मिनट, मैं लिख रही हूँ ना, सॉरी। ओके ओके, आप लिखो।
अभी क्या बोल रहे हैं आप? नेचर ऑफ द साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी का नेचर क्या है, मतलब कैसे हम साइकोलॉजी को जज कर सकते हैं, मतलब अगर किसी की लाइफ में अप्लाई करना हो क्या नेचर हो सकता है, क्या फैक्टर्स हम अपना सकते हैं? इसमें तो लिखा हाउ डू पीपल थिंक। पीपल थिंक आपका रीजनल, जैसे आप महाराष्ट्र से हो हाँ तो आपका इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस तो होगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं है कि एक जना, मतलब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप जहाँ जिस इन्वायरमेंट में ज्वाइन, नहीं, जहाँ पे भी तुम रहते हो उसका इन्वायरमेंट। यस, आपका स्कूल हो सकता है, आपकी हाँ सोसाइटी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स का सर्कल कैसा है, ठीक है। तो कैसी इंफॉर्मेशन आपके इन्वायरमेंट में, कभी कभी देखना जो फैमिली का थॉट प्रोसेस होगा उसके कुछ जो बिलीव्स है, ठीक है, वो उस इंडिविजुअल में आ जाते हैं, वो भी सेम सर्टेन वे में बिहेव करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस है ना। जैसे फ्रेंड्स में बोलते हैं ना कि अच्छे दोस्तों के साथ रहो, बुरे के दूर रहो, है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना, तो वही चीज बताएगी। एंड सेकेंड इज हाउ पीपल लर्न एंड रिमेम्बर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं इंडिविजुअल की सिचुएशन को हैम्पर कर रहे होते हैं, हिंडेंस देते हैं किसी भी वर्क प्लेस पे, कि जैसे कोई किसी इन्वायरमेंट के साथ टॉर्चर किया गया, हो सकता है वो बहुत इंट्रोवर्ट बन जाए और रिटेलिएट भी कर सकते हैं ना, इसका अपोजिट भी हो सकता है ना। जैसे एक एल्कोहलिक फैमिली है, ठीक है, उस फादर ने अपने जो उस फादर ने है अपनी फैमिली में जो हार्श वर्ड्स होते हैं, थाना मारपीट सब देखे, जो उसके बच्चे हैं वो ये सीख सकते हैं कि मैंने तो घर में ये सब चीजें देखी है तो मैं भी ये सब चीजें करूंगा, क्यों, क्योंकि सही है, मैंने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है ना, अल्कोहल करा, लोगों को मारना पीटना, ऊंची आवाज पे बात करना, और हो सकता है कि ये कंडीशन भी हो सकती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसे करते हुए देखा, मैं कभी नहीं करूंगा ये सब, पॉसिबिलिटी है ना, या तो अच्छा बन सकता है बुरा बन सकता है, तो रिमेम्बर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, है ना, ओके। हाउ पीपल थिंक एंड रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम, कि मतलब कोई सिचुएशन आई, ठीक है, उसमें कैसा वो सोचता है, डिसीजन पावर क्या है उसकी, मतलब जो बेस है रीजन क्या है, रैशनल थिंकिंग है, स्कोप कैसे करता है। हाँ, कॉप कैसे करता है, और सेकंड चीज है कि रैशनल थिंकिंग है या फिर ऐसे इरेशनल बोले जा रहे हैं, है ना। जैसे जैसे काफी लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत बोलते हैं, है ना, बट एक्चुअल में अगर उन्हें वहां पर बिठा दिया जाए तो करो, है ना, तो वही चीज है, लाइफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं अपनी लाइफ की, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट की। एंड हाउ पीपल डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक इंटेलिजेंस पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक से इंडिविजुअल कैसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है, मतलब यूनिकनेस है इंडिविजुअल के अंदर, यूनिकनेस है, अच्छा हाँ यूनिकनेस है, क्लास में ही वेराइटी ऑफ पीपल दिख जाते हैं, कोई बहुत जिसका IQ लेवल अच्छा है, किसी के मार्क्स नहीं आ पाते पर देखने में लगता है यार ये तो कितना इंटेलिजेंट है, इसे आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज है ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, पर्सनालिटी कैसी है उसकी, है ना, कि एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, एमीवर्ट है, कोई बहुत जल्दी इजिली अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं और किसी को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता टाइम लगता है। हाँ है ना, और किसी का इंटरेस्ट हो सकता है कलरिंग में हो, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है फुटबॉल में हो, है ना, किसी का हो सकता है क्लास को डेकोरेट करने में हो, है ना, स्मार्ट बोर्ड हो गया, और कोई होता है कि स्कूल के फंक्शंस में सबसे पहले उसका हाथ होगा, हाँ, कि स्टैंडर्ड होते कि मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। हाँ, मुझे ही करना है, अरे तुम तो सामने हो, तुम्हारे ही गिफ्ट आ रहे हैं, फैक्टर मैटर करते हैं। फ्रेंड्स में अगर बात चल रही है ना, तो दोनों के थॉट प्रोसेसेस अलग होंगे, है ना, सोचने का तरीका होगा, नंबर भी अलग आते होंगे, ऑल्दो यू आर फ्रेंड, बट स्टिल नेचर नेचर ऑफ साइकोलॉजी मतलब ये सब चीज है ना, हाउ डू पीपल थिंक, हाउ पीपल लर्न एंड रिमेम्बर एक्सपीरियंस। हाँ, क्या तो नेचर हो सकते हैं, अच्छा, नेचर एज इन नेचर, इन ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा है। हाँ आप ये कह सकते हो, ठीक है, कि उसके एक्सपीरियंसेस कैसे हैम्पर करेंगे साइकोलॉजी में, मतलब कहाँ कहाँ किस किस डोमेन में वो हेल्प कर सकते हैं, गॉट इट, ठीक है। एंड हाउ डू पीपल कॉप विद दिस सिचुएशन, अब पता लगे एग्जाम्स में मार्क्स कम आ गए हैं, है ना, काफी बच्चे एग्जाम्स में मार्क्स कम आ जाते हैं या फेल हो जाते हैं, और या 99 आ जाते हैं और सोचते हैं कि 100 आए तो वो सुसाइड कर लेते हैं, हाँ तो है भी नहीं, है ना, कॉप अप नहीं कर पा रहे अपने इमोशन से,
स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो वही चीज है। कोई होता है कि इजिली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है कि एक टेस्ट में फेल ही तो हुआ हूँ, अभी तो और सारे टेस्ट है। कोई कोई पॉजिटिव भी सोचते कि अभी नहीं हो गया, होगा तो बाद में हो जाएगा। हाँ अभी नहीं हुआ बाद में हो जाएगा। तो हाँ भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो देखना है कि प्रॉब्लम्स हर किसी के आए, एक रिजल्ट ही तो, उसमें अपनी लाइफ क्यों खराब करनी। ठीक है, कोई बहुत इजीली सॉल्व कर लेता है और कोई होता है कि शोर मचा मचा के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और पता लगता है कि वो प्रॉब्लम होती नहीं एक्चुअली, होती नहीं है। है ना। तो कौन कैसे करते हैं ये सारे, क्या साइकोलॉजी के एक तरीके से पर्सनैलिटी की, हम एक इंडिविजुअल को क्या क्या चीज हैम्पर करती है, उसका इन्वायरमेंट हैम्पर करते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस करते हैं। अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा तो ऑलरेडी उसकी करंट सिचुएशन में हैम्पर करेगा, अगर उसने उसको ओवरकम नहीं किया तो फेस नहीं किया, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाएंगे। एक इंसान की पर्सनैलिटी देखकर बात कर लेंगे, अरे इसे तो कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, ये तो मानेगा ही नहीं, है ना। ये हो सकता है लाइफ में कितनी भी चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, गॉट इट। चलो अब हम एक यहाँ पर हम टॉपिक कर लेते हैं। हाँ, तो वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन बिहेवियर, है ना। वो एक नहीं बोल सकते कि आपको प्रॉब्लम क्या है वो बताओ, पता चले वो कह रहे हैं मुझे डिप्रेशन है तो वो साइकोलॉजिस्ट पूछते हैं कि आपको डिप्रेशन कब से, हाँ कल रात से ही हुआ है डिप्रेशन। हाँ वो क्या कहेंगे, कल रात से कौन सा डिप्रेशन होता है, मैंने मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया, ये डिप्रेशन हो रहा है ना। तो ये डिप्रेशन में आएगा, हाँ नहीं आ सकता है, लेकिन उनके लिए है तो अभी क्या ही कर सकते ना, कि वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए है। डिप्रेशन जो होता है एक तरह का डिसऑर्डर होता है जो होना चाहिए अगर एक मंथ से ज्यादा है तो, कंटिन्यूस हाँ बेसिस पे हाँ एक हाँ मंथ ही वो फाल नहीं। और जो तुम्हारे बॉडी में दिख जाता है कि तुम क्या फील कर रहे हो। हाँ जी, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर है उसको वो स्टडी करता है, और ताकि क्या हो सकता है कि ये हमें क्या दे सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर सके हमारी लाइफ की, क्या चीज हमें हेल्प कर रही है। ठीक है, उस चीज को हमें सीधा सॉल्व करना है। अगर हमने स्टडी कर लिया जो ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, उसे समझ लिया क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, कि आप वर्क ज्यादा कर रहे हो तो इससे अच्छा है कि एक दो हफ्ते की छुट्टी ले लो, कहीं पर घूम लो, फिर आप किसी वर्क को ज्वाइन रीज्वाइन करना। ठीक है, सॉरी मैं लिख रही हूँ ना तो थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात सिर्फ पॉइंट्स में ही लिख लेना। हाँ पॉइंट्स में लिख रही हूँ। हाँ ओके, अब जो मेन आ जाता है, होल्ड ऑन, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। अब डेवलपमेंट होनी कैसे स्टार्ट हुई साइकोलॉजी की, मतलब बेसिकली ये जो है हिस्ट्री है, क्या है ये, हिस्ट्री, क्या। हिस्ट्री है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी ने डेवलप करना कहाँ से शुरू किया, सबसे पहले कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ेंगे ये वेस्टर्न होगा, ठीक है, यहाँ पर ठीक लिखा नहीं होगा पर वेस्टर्न है अभी। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो साइकोलॉजी को कहाँ से स्टडी किया गया, स्ट्रक्चरलिज्म से, कहाँ से किया गया, स्ट्रक्चरलिज्म। हाँ स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब, पहले इससे पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म से पहले एक और आए थे विलियम वुंड, हाँ इसके बारे में सुना है। सुने, विलियम वुंट आए थे जिन्होंने क्या किया था बताओ। ये साइकोलॉजी का ना मैं सुना है, मुझे इतना अच्छे से नहीं पता है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम कुछ तो आप तो हिंट दोगे फिर मैं आपको बताऊंगी। विलियम वुंट थे, इन्होंने फर्स्ट यूनिवर्सिटी, साइकोलॉजी की यूनिवर्सिटी ओपन करवाई थी, फर्स्ट अच्छा यूनिवर्सिटी। लिख लेती हूँ वापस से भूलने से पहले। ये स्पेलिंग क्या है, विड विलियम। एक मिनट में लिख देती हूँ यहाँ पे, होल्ड ऑन। देखो दिख रही है स्पेलिंग, हाँ विलियम वुंड, ठीक है,
इन्होंने फर्स्ट पहली जो करवाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी खुलाई थी, खोली थी, ओपन की थी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी ओपन की थी। और कहाँ पर की थी ये इम्पोर्टेंट है, लिप्जिट में। इट्स हाँ, लिप्जिंग में की थी। और ये कहाँ पर है, जर्मनी में। ठीक है, अगर पूछा जाए हु इज अ फादर ऑफ साइकोलॉजी तो विलियम वुड। हु इज अ फादर ऑफ साइकोलॉजी, विलियम वुड क्यों? हाँ, क्यों विलियम वुड कहा जाता है कि जो फर्स्ट साइकोलॉजी की यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओपन की गई थी जर्मनी में, वो विलियम वुड ने स्टार्ट की थी। बस इतना है इनका काम। और भी है पर मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसको रेस कर दूँ। हाँ ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब क्या होता है? क्या मैं से पूछ रहा? नहीं, ब्रेक कुछ आइडिया नहीं है। स्ट्रक्चर करें इसको, स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्ट। कुछ चीज को स्ट्रक्चर करना, डेवलप करना, मतलब ऑर्गेनाइज करना। हाँ, स्ट्रक्चर मतलब बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म में क्या चीज बताई गई, जो स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट था, जो सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड यूज किया गया था वो एडवर्ड टिकनर ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, एडवर्ड टिकनर ने इस्तेमाल किया था। और स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रक्चर, स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन, नॉट माइंड बट ब्रेन। ठीक है, स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन। स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आया। जब टिकनर आया उन्होंने बोला कि हमें क्या स्टडी करना चाहिए, ह्यूमन ब्रेन को, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसके डिफरेंट जो लोब्स हैं, पैराइटल, ऑसिपिटल, ठीक है, इनके जो चार लोब्स हैं इनको स्टडी करने की कौन सा एरिया किस चीज के लिए एक्टिव होता है। ठीक है, अगर जैसे मैं लैंग्वेज से रिलेटेड बात करती हूँ तो जो व्रोकास और वर्निकास एरिया है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर हमें ह्यूमन को समझना है तो उसके स्ट्रक्चर को समझो कि कौन सा एरिया किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम उसे इमेज दिखाते हैं तो आई सेंसेस के थ्रू तो हम परसीव करते हैं, है ना, तो वो ब्रेन का किस एरिया में जाकर वो इमेज फॉर्म होती है, कौन सा एरिया एक्टिव होता है ज्यादा। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज बोली कि सबसे पहले हमें किसको स्टडी करना चाहिए, स्ट्रक्चर को। ओके अगर ब्रेन के किसी भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाए या रुक जाए, ठीक है, वो हैम्पर कर जाएगा जो उसकी फंक्शनिंग है, रिस्पेक्टिव फंक्शनिंग है। ठीक है, गॉट इट, या समझ में आया। हाँ, लिख ली भी। अब इसके बाद हम करते हैं फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के बारे में एक बार बताओ। फंक्शन ना, हाँ अभी जी, वो तो दिख रहा है फंक्शन, तब इसमें क्या है? हाँ, सेम सेम करो, स्टडी द फंक्शन ऑफ, ह्यूमन बी फंक्शनिंग हाँ, ओनली ऑफ, ब्रेन, अभी सिर्फ ब्रेन की बात हो रही है। अच्छा, ह्यूमन ठीक है, मतलब फंक्शन, ब्रेन ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग, ब्रेन। स्टडी द फंक्शन ऑफ ब्रेन, कि ओके ब्रेन का कौन सा एरिया किस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो क्या करता है। ठीक है, और इसको किसने डेवलप किया था, विलियम जेम्स ने। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, वो विलियम वुंट है, ये वो विलियम। दिया ये वाले। ठीक है, और कोई डाउट है तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं एक बार, अभी के लिए मेरे से पूछो अगर कोई डाउट है तो। नहीं, अभी तो कुछ नहीं, मुझे बहुत क्लियर आउट हो गया सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हमारा फंक्शन, आई होप हैंडराइटिंग समझ में आ रही हो। थोड़ी सी फंक्शन ऑफ, अभी आ रही हाँ, माइंड। हाँ, ठीक है, फंक्शन ऑफ माइंड। और इसको किसने डेवलप किया था, विलियम विलियम, जेम्स। हाँ, विलियम जेम्स ने किया था। बेसिकली इन्होंने किस बारे में बात की थी कि क्या ऑब्जर्वेशन करना है, मीन हमको बताओ, थॉट्स को, किसको ऑब्जर्व करना है, थॉट्स थॉट्स को को। ठीक है, थॉट्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, बिहेवियर कैसे होता है, क्या फंक्शन है ब्रेन का वो। ठीक है, उस चीज के बारे में बात की थी। फोकस ऑन द कॉन्शियसनेस, मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस, रिलेटेड टू सर्वाइवल, ग्रोथ एंड अडेप्टेशन ऑफ द लिविंग बींग्स।
कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जिस चीजों के लिए हम अवेयर है, ठीक है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जिस चीजों के लिए हम अवेयर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इस चीज के लिए अवेयर हो कि आपकी क्लास कर रही है, मुझे स्क्रीन देखनी है, मुझे सुनना है, सेंसेशन, ठीक है। हाँ, सेंसेशन मतलब आप स्क्रीन को देख रहे हो, मेरी वॉइस को सुन रहे हो, ठीक है। फिर आप ग्रोथ होगी, ऑब्वियसली कुछ नई चीज सीख रहे हो, अडाप्टेशन ऑफ द लिविंग बीइंग हो रही है ना। काम आएगा अगर आप इस फील्ड में गए तो, सर्वाइवल के लिए, ठीक है। फंक्शनिंग उसमें बताया गया था मेन, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, और इनमें एक चीज बताई गई थी कि जो हमारे थॉट्स हैं वो स्टेगनेंट नहीं है, जो हमारे थॉट्स हैं वो स्टेगनेंट नहीं है, कीप इवॉल्विंग। मतलब ये तो मतलब जो है यहाँ पर क्या है, जो हमारे थॉट्स हैं, ठीक है, थॉट्स के बारे में बात हो रही है ना, थॉट्स फंक्शन कर रहे हैं, तो जो हमारे थॉट्स हैं वो क्या है, नॉट स्टैग्नेंट नहीं है, नॉट स्टैग्नेंट बट कीप इवॉल्विंग। इवॉल्विंग मतलब चेंज होते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं। तो ये थॉट्स क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं अपने एरिया एनवायरनमेंट में अडैप्टिव होने के लिए। अडैप्टिव फंक्शन है ये इसका मेन। गॉट इट। नेक्स्ट करें। हाँ, नेक्स्ट बताओ क्या है। बिहेवियरिज्म। हाँ, बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म किससे रिलेटेड होगा, एक बार बताओ। ब्रेन का बिहेवियर। ब्रेन का बिहेवियर, वेरी गुड। स्टडी द बिहेवियर ऑफ ऑब्जर्वर। यस 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 यस। हाँ, तो याद रखो बिहेवियर के जो फील्ड थी उसको किसने डेवलप किया, फाउंड किया, जेबी वॉटसन। हाँ, जेबी वॉटसन ने फाउंड किया, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या बताया गया था कि क्या हमारा बिहेवियर है, कंडीशन बिहेवियर है, ठीक है, लर्न्ड बिहेवियर है, या फिर किस तरीके का लर्न अनलर्न बिहेवियर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। बिहेवियर में हम क्या कह सकते हैं, लर्न और अनलर्न्ड। अनलर्न्ड बिहेवियर, लर्न और अनलर्न बिहेवियर हम कह सकते हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ चीजें होती है जो न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हम सीखते हैं, ठीक है। एक बार आपके साथ फ्रॉड हो गया तो नेक्स्ट टाइम आप क्लियर हो जाओगे कि ऑनलाइन साइट को टच नहीं करना, अगर ऐसे कोई एड जो है पॉप अप हो जाए, न्यू एक्सपीरियंस सीख लिया उससे। लर्न एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, जो हमको सिखाया गया है और हमको हमारे दिमाग लर्न हो सकता है, क्या हो सकता है, लर्न बिहेवियर। जैसे मम्मी बोलती है, मम्मी मम्मी पापा हमको बोलते हैं कि रात को इतना बजे सोना चाहिए, इतना बजे घर घर पे आना चाहिए, नहीं वो हो सकता है क्या, बचपन में स्पून से खाना खाना सीखा था। हाँ, हाँ, वो भी तो। हाँ, वो लर्न बिहेवियर है, या ऐसा है कि तब सीखा भूल गए। नहीं। एक बार आना जाना सीखा कहीं पर बाहर, तो भूल ही नहीं। फिर बाहर निकलना ही भूल गए, ओ ये तो गेम भी कहते हैं इसको, बाहर रोड भी है। ऐसा तो नहीं है ना, लर्न अनलर्न बिहेवियर हो गया। तो यहाँ पर इस चीज के बारे में बताया गया। बेसिकली क्या है, हम ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, ट्राई एंड एरर, ट्राई करते हैं फिर गलती करते हैं फिर सीखते हैं। हाँ, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। अगर कोई पजल हम ठीक कर रहे हैं, अरे इसको ऐसे नहीं ऐसे करके देखते हैं, शायद सही हो जाए। आज किसी रास्ते से जा रहे हैं, यार ये आते हुए तो बहुत बार ये रास्ता देखा, एक बार यहाँ से निकल जाके, हाँ, एक बार जाकर देख दे शॉर्टकट है कि लॉन्ग कट है ना। अगर पहुंच गए तो बहुत बढ़िया है, नहीं पहुंचे तो वापस दोबारा कर लेंगे। वापस आ जाएंगे जिस रास्ते से आए थे, है ना। वो बिहेवियर हो गया। और इसमें एक आते हैं हमारे बीएफ स्किनर भी आते हैं, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए फेमस है, बीएफ स्किनर। होल्ड ऑन, कौन है बीएफ स्किनर, यहाँ लिख देती हूँ। बीएफ स्किनर क्या है ये, बीएफ स्किनर जो है नाम है, इसी के अंडर आते हैं, वो भी बिहेवियरिज्म के थे। एक जना तो काम नहीं करता ना उस फील्ड में, अच्छा, काफी लोग काम करते हैं। तो इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में सिर्फ इतना समझो, इन्होंने रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात की थी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की। फॉर एग्जांपल, एग्जाम में अच्छे, टेंथ में ले, ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स आ जाए, 90% आईफोन ला कर दूंगा,
ना, तो ये रिवॉर्ड है पनिशमेंट है? रिवॉर्ड है। यस ठीक है, रिवॉर्ड है। और पनिशमेंट चीज क्या है कि उससे वो चीज छीन ली जाए। ठीक हाँ है, कि अच्छा नहीं लागे तो तुमको खिलौना नहीं देंगे, समथिंग बच्चे लोग को और जो फोन है, जो हाथ में एंड्रॉइड फोन है वो भी वो ले छीन लेंगे। लिया जाएगा, है ना, पनिशमेंट होगी। इतना याद रखो इसमें, ठीक है। इसको इरेज कर दूं? हाँ चलो नेक्स्ट आती है गिस्टाल। गिस्टाल को किसने डेवलप किया था? वुल्फ गैंग कॉलर गुल्फगैंग कोहलर ने, ठीक है। तीन लोगों ने इसको मिलकर किया था, गुल्फगैंग कोहलर ने किया था और कॉफका ने किया। कोफा। तीन लोगों ने इसको किया था, अभी ये क्या नया नाम होने पता। मैं बता देती हूँ, होल्ड ऑन। कहाँ पर बता देते हैं, वेट करो तुमने। हाँ, कोहलर ने किया था, कॉफका ने किया था, एंड मैक्स वर्थ मैक्स ने किया था, वर्थ मेयर, ठीक है, मैक्स वर्थ मेयर ने किया था, गॉट इट। गैंग कोलर थे ये, फाउंडर थे, कौन थे ये? फाउंडर थे। पर जो मैक्स वर्थ मेयर था ये कौन था? फादर, मेंटर। फादर अच्छा अच्छा मेंटर, हाँ मेंटर आप कह सकते हो, और फादर भी था। मतलब अगर कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, तो किसका नाम दोगे? मैक्स वेंटर बैटमैन, ठीक है। बैटमैन। हाँ हाँ, और अगर पूछा जाए कि फाउंडर कौन था गिस्टाल साइकोलॉजी का, वुल्फ गॉल्फ, फाउंडर। हाँ जी, फाउंडर गॉल्फगैंग कोहलर था, ठीक है। इस चीज में याद रखना, इन्होंने बेसिकली मेन काम किस चीज में किया? परसेप्शन में किया। किस चीज में काम किया? मेन परसेप्शन। मेन परसेप्शन के एरिया में ज्यादा काम किया। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कि होल इज, मतलब जो इन्होंने मेन चीज इसके बाद की थी कि जो कंप्लीट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन उसके पार्ट से, ठीक है। समझ में आया क्या बताऊँ? आवाज आ रहा मुझे। हाँ नाउ इट्स क्लियर? मुझे बताओ, हाँ अभी क्लियर है? हेलो, नहीं वापस। हेलो। हाँ आवाज आ रहा, पता नहीं कुछ तो आवाज आ रहा है। अभी क्लियर है आपको परफेक्टली? हाँ नहीं 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 क्लियर है? आई थिंक आप बात करो तो आवाज आ रहा है। क्लियर है? हाँ। पूरी? नहीं। एक काम करो, आप एक बार अपने उसको आपने लीड्स लगाए हैं हेडफोन, हाँ लगाया। हाँ, उसको एक बार दोबारा से वो हटा के इजेक्ट करो, दोबारा से हटाओ, एक बार हाँ हटाई हटा दो। अब क्लियर है? बिना हेडफोन का भी कुछ जूम बोल के आवाज आ रहा है। जूम बोल के अभी आप बोलो कुछ तो। क्लियर है? मुझे ये बताओ, एक बार रिपीट कर लो अपनी साइड से, एक बार करो। मैं क्लियर है? ये कुछ इशू आ रहा नहीं नहीं अभी ठीक है। हाँ है? ठीक है, ओके। हाँ, गिफ्ट स्टार्ट में ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लो, सबसे इम्पोर्टेंट है ये लाइन, ये लिख लो। इन्होंने बोला था होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, ये इम्पोर्टेंट है अच्छा गिफ्ट स्टार्ट में। सम ऑफ इट्स पार्ट। इन्होंने ये चीज बोली कि होल जो कंप्लीट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन टू स्टडी द पर्टिकुलर पार्ट या उसका एक हिस्सा पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक फेस को देखना है तो मैं उस फेस में आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, ये सब चीजें नहीं देखूंगी, मैं कंप्लीट फेस देखूंगी। तो गेस्टाल्ट ने वो कहा,
कि आप उसके एक पार्ट्स को तो पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, पर डीप स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस लाइन का ये समझ में आया कि जो ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस है, इन्होंने क्या कहा, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की. ठीक है, आपका आप कॉन्शियस जो एक्सपीरियंसेस, अगर आप एट दी एंड देखो जाए, अब तक अगर आपकी पर्सनालिटी देखा जाए, वो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप बने हो. ठीक है, पर्सनालिटी है. तो अभी क्या हो, जस्ट कि आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, उस बेसिस पे आपको जज करना इज अनफेयर, कम्प्लीटली अनफेयर. वो मुझे रिजल्ट नहीं देगा. कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को क्या कहा है कि एक्सपीरियंस एज अ होल, कि कंप्लीट देखो क्या है. कोई डाउट यहाँ तक पूछ लो. नहीं, पक्का इरेज कर दे इसको. हाँ. यार इज स्टिल राइटिंग. नहीं नहीं हो गया. ठीक है, मेन काम इन्होंने परसेप्शन को लेकर किया. परसेप्शन. कितना बजे का डेमो क्लास है, कितना बजे तक? सिर्फ इसको लास्ट साइको एनालिसिस करके खत्म करते हैं. अच्छा. ठीक है, साइको एनालिसिस. और याद रखना, यहाँ तक जो हमने पढ़ा स्ट्रक्चरलिज्म से लेकर विस्तार तक, यहाँ तक हमने सिर्फ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पढ़े, कॉन्शियस, सिर्फ ओनली कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को स्टडी किए. ठीक है, यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर लो, यहाँ तक हमने सिर्फ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को पढ़े, सिर्फ अच्छा. कॉन्शियस एक्सपीरियंस को. ठीक है, जिनके हम अवेयर है, पता है. ठीक है, उनको स्टडी किया. अब आ जाते हैं साइको एनालिटिक्स पे. क्या जाते हैं साइकोएनालिटिक. साइकोएनालिटिक को किसने डेवलप किया था? सिग्मंड फ्रॉयड ने किया था. और इन्होंने यहीं से स्टार्ट की गई थी अनकॉन्शियस माइंड की. किसने? अच्छा. बताओ. सिग्मंड फ्रॉयड. फ्रॉयड 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 फ्रॉयड. अच्छा. इन्होंने फ्रॉयड. इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की थी. इन्होंने कहा था कि हमारे दिमाग के जो अंदर चल रहा होता है उनको स्टडी करो, उन थॉट्स को स्टडी करो. ये बात की थी कि हमारे ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, हम ऐसा क्यों सोच, क्योंकि वो थॉट्स कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा ना, ऐसा बिल्कुल ही अपने आप अचानक से आ गया. इन्होंने क्या किया कि अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करो. ठीक है, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, किस बारे में है जो दिमाग के अंदर चल रहा है. कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताओ, एंजाइटी के बारे में बताओ, डिसऑर्डर्स के बारे में बताओ. ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पर मैंने इस बारे में बात की थी. अब कोई डाउट है तो पूछो. ये थोड़ा सा मुझे इसका नहीं समझा, लास्ट वाला. ये नहीं नहीं अनकॉन्शियस का समझा, सॉरी, GESTLT वाला. GSTL कहाँ पर है बच्चे? ओ, बिहेवियरिज्म के नीचे. गेस्टाल्ट. हाँ हाँ वो थोड़ा सा अनश्योर हूँ मैं. अच्छा, गेस्टाल्ट का मतलब मैंने आपको बताया ना, हर चीज को हमें क्या देखना है, कंप्लीट देखना है, होल देखना है. अच्छा अच्छा. अगर मेरे को आपको स्टडी करना है तो मैं सिर्फ आपको आपके 12th के बेसिस पे नहीं स्टडी करूंगी, पूरी जर्नी देखूंगी. जैसे काफी लोग बोलते हैं, जैसे लोगों को लगता है कि 12th के मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं, पर आप आपको लगता है कि वो 12th के मार्क्स आपकी हर जगह आपको हिंडेंस करेंगे आपकी प्रोग्रेस. नहीं नहीं मार्क्स आते हैं वो तो सीईओ बने हुए होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के. तो आपको सीट देखना पड़ेगा उसकी लाइफ में क्या हुआ. अगर जो भी सक्सेसफुल है वो या तो स्कूल के ड्रॉप आउट से है ना, या उस बेसिस पे उनको जज करना बिल्कुल सही है. साल का मतलब क्या है कि कंप्लीट देखना है. अच्छा. होल इज ग्रेटर देन इट्स सम ऑफ इट्स पार्ट. साइकोएनालिसिस का मतलब क्या होता है, साइमन फ्रॉयड ने किया था अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस में किया था कि ड्रीम्स ऐसे क्यों आ रहे हैं. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वो क्यों हो रहे हैं, मेंटल प्रोसेसेस में क्या चल रहे हैं जो दिमाग के अंदर चल रहे हैं, जो हिडन है. ठीक है, लगता है ना कि हम क्यों इतना दुखी है, समझ में नहीं आ रहे, उन थॉट्स को स्टडी करो. ठीक है ठीक है, ये चीज उन्होंने मेन बताई गई थी. हाँ.
शेयरिंग माय स्क्रीन? हाँ, कोई इशू है, डाउट है? नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छे समझा। किसी भी स्कूल में आए, हम्म, स्कूल में डाउट है साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में क्या नहीं है? नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छे समझा। ओके चलो, यहाँ पर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगर टीचिंग स्टाइल समझ में आया जो पढ़ाया किस तरीके से, तो फिर बाकी आप बता देना, ठीक है? ठीक, चल बाय।